क्या नाम है आपका? जगदीश यादव। क्या हो गया ट्रक को, कैसे टूट गई, कौन सी चीज टूट गई? चले जा रहे थे तो बीम टूट गई। कहाँ से कहाँ आप जा रहे थे, ट्रक लेके जा रहे थे कहाँ? लखनऊ से कानपुर, नागपुर। क्या इसमें लगा हुआ है? मेंदा, मेंदा, मेंदा लेकर जा रहे हैं जी। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है? जी बिल्कुल, धीरे कम स्पीड में जा रहे थे इसलिए को बच गए। सही करवाएंगे। हाँ और क्या, बीच रोड में टूट गया है जी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? लखनऊ से नागपुर। तो लखनऊ से नागपुर जा रहे ट्रक के पहिए की बीम टूट जाने से एक बड़ा हादसा टला है। जवाहर रोड पर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, ट्रक है जो खड़ा हुआ है जिसका पहिए की बीम टूट जाने से खड़ा हुआ है और एक बड़ा हादसा भी टला हुआ है। मैदा, इस ट्रक में मैदा लदी हुई है, मैदा लेकर क्या है जा रहा था ट्रक। और आज सुबह ही इसकी बीम टूट जाने से इस शहर के जवाहर रोड पर खड़ा हुआ है और एक बड़ा हादसा भी होते होते टला हुआ है। हमने ट्रक के स्टाफ से भी बात की है तो उन्होंने बताया है कि इस ट्रक में मैदा है और मैदा लेकर वो जा रहे थे, इसी दौरान अचानक पहिए की बीम टूट जाने से यह हादसा हुआ है। आपको सीधे पिप्ट के फेसबुक पेज से सीधे दिखा रहे हैं। जवाहर रोड पर यह सुबह से हादसा हुआ है लेकिन कोई भी किसी को चोट नहीं आई है, कोई भी हताहत नहीं हुई है, सबसे अच्छी बात है। बीच रोड पर इसकी बीम टूट जाने से अब जो वाहन है वो ट्रक के अगल बगल से निकल रहे हैं, निकलने में भी कोई वैसी दिक्कत नहीं हो रही है। इस साइड से, एक साइड से लोग निकल रहे हैं, उस साइड से भी लोग निकल रहे हैं। ये मैदा थी इस ट्रक में, मैदा भरकर ये जा रहा था तभी, या कहें ओवरलोड भी था। जानकारी लेने यहाँ पर ट्रैफिक भी आई है और बातचीत करके चली गई है। चलो जो रोक, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? लखनऊ से नागपुर ये ट्रक जा रहा था जो मैदा से भरा हुआ है और इसकी जो टूट गई बीम इसकी टूट जाने से ये ट्रक यहीं खड़ा हो गया। और अच्छी बात है कि कोई भी किसी को चोट नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ।